हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हमने अपने किचन में बड़े ही टेस्टी से बनाए हैं भरवा बैंगन। ये देखिए, बिल्कुल चटपटे मसालेदार भुने भुने। आप चाहे तो थोड़ी सी जो है ढीली ग्रेवी रख सकते हैं थोड़ी सी लिक्विड में। तो फ्रेंड देखिए, जो बैंगन की सब्जी होती है ज़्यादातर बच्चों को तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते खानी बच्चे, और बड़ों को भी बहुत कमी से पसंद आती है। तो आप इस तरीके से भरवा बैंगन बनाएं, सब मज़े ले लेकर खाएंगे, पेट भर कर खाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने ले लिए हैं आधा किलो छोटे साइज़ के बैंगन। तो फ्रेंड्स, इन बैंगनों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये जो डंठल हैं ये देखिए थोड़े से ना ऊपर से सूखे सूखे से हैं, क्योंकि गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और ज़्यादा लंबे भी, तो इनको थोड़ा सा कट कर लेंगे हम कैंची से, थोड़े छोटे कर लेंगे। रीजिए कि आगे जो नुकीली सी लगी रहती है इसकी टोपी की जो नोक होती है, ये भी थोड़ी गंदी सी होती है और ये कांटे से होते हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे। और फ्रेंड बीच से हम इसी तरीके से हम सारे बैंगनों को कर लेंगे। और बीच से इस तरीके से देखिए, पहले ऐसे कट लाएंगे नीचे से थोड़ा ऊपर तक, ये देखिए आधा इंच तक हम जुड़ा हुआ रहने देंगे, बिल्कुल नीचे डंठल तक कट नहीं लगाएंगे। और फिर इस तरीके से हम चार पीस में कर लेंगे। ये देखिए ऊपर तक ही हमने छोड़ दिया है कट ला के, बिल्कुल नीचे तक कट नहीं लगाया। इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे और अच्छे से वॉश कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी देखते देखते प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट नहीं करते आप, कमेंट करिएगा मेरी ये रेसिपी देखने के बाद, बनाने के बाद कैसी लगी आपको, कमेंट ज़रूर करिए। और बैल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे बैंगन को हम इसी तरीके से करके अच्छे से ये पानी में डालते जाएंगे, क्योंकि काले बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। आप कटिंग करके फ़ौरन से पानी में डाल दें। और ये देखिए, हमने फ्रेंड दो से ढाई चम्मच ले लिया है साबुत धनिया, और डेढ़ चम्मच हमने ले लिया है साबुत सौंफ, इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। और एक चम्मच ले लिया है ज़ीरा, आप मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करें फ्रेंड्स, बहुत हल्का सा, बस नमी निकल जाए, हल्का सा ही हमें इसे गर्म करना है, रोस्ट करना है। और फ्रेंड इसके स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमने ले लिया है डेढ़ चम्मच ले लिया है सफ़ेद तिल, ये खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। और फ्रेंड्स, ये एक चम्मच ले ली है मैंने भर के कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, स्वाद आएगा, बिल्कुल ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके ये बैंगन बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने हल्का सा रोस्ट करके और ये ठंडा कर लिया है, इसको हम मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे ठंडा होने के बाद। और फ्रेंड्स, ये देखिए उसी पैन को हमने फिर से गर्म करके, और ये देखिए तीन चम्मच फ्रेंड्स हम लेंगे, तीन चम्मच बेसन को हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे सूखा ही, ताकि इसके जो कच्चापन है वो निकल जाए। और फ्रेंड्स, अब ये डालेंगे हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, और गैस हमने ऑफ कर दी है फ्रेंड बेसन भुनी बात, क्योंकि और एक चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, और एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, ये है एक चम्मच आमचूर पाउडर। और फ्रेंड्स, इसमें हम एक चम्मच फिर से वो धनिया पाउडर भी लेंगे, जो कि मैं दिखा नहीं पाई हूँ, इसको ग्राइंड कर लेंगे जो हमने रोस्ट किया है मसाला। फ्रेंड्स, ये जो सब पीसे हुए मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये जो हमने पीसा है इसको ऐड करेंगे, हम बंद गैस पर ही करेंगे। बेसन भूनने के बाद गैस को आप बंद कर दें, क्योंकि बेसन भी गर्म होगा और पैन भी गर्म होगा, उसी में ये अच्छे से भून जाएंगे जो और कसर रही। और फ्रेंड्स, इसके अंदर हम दो से तीन चम्मच ऐड कर देंगे ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड बेसन हमने इसलिए है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा और बाइंडिंग भी होगी बैंगनों में से, जो हमारा जो मसाला है वो बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए, अभी भी थोड़ा सा पैन गर्म है इसलिए मैं हाथ से मिक्स नहीं कर पा रही हूँ, आप चम्मच से कर लीजिए। फ्रेंड, मिर्च तीखापन भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब ये मसाला हमारा हो गया बिल्कुल टेस्टी सा तैयार, और इसको हम भरेंगे अपने बैंगन के अंदर। ये देखिए, अच्छे से आप स्टफ़ कर दें, जितना आप भरना चाहें उतना भर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, बीज फिर ऐसे भर के हम अच्छे से इसको दबा देंगे, ताकि ये जो इधर उधर से जो निकलना होगा फालतू वो निकल जाएगा, और ऊपर से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये जला जला मसाला अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से बैंगन आप ज़रूर साफ़ कर लें जो एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ हो। और इन्हें देखिए फ्रेंड, पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करके और इनको हम रख देंगे उसी पैन के अंदर। फ्रेंड्स, हम सारा काम कर रहे हैं, ये बैंगन लगा देंगे थोड़ा सा अलट पलट, अभी से हम एक मिनट के लिए ढक देंगे, एक मिनट से भी कम में फ्रेंड्स, ये एक साइड से हो गए थे फ्राई, ये देखिए हम पलट देंगे, ये देखिए हो चुके हैं। तो ये जो हल्का सा रोस्टेड हो गए हैं, ये जो भुने भुने से हो गए, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा हमारी सब्ज़ी के अंदर। तो फ्रेंड, ये देखिए, अब हमने कुकर ले लिया है और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, आधा कप से थोड़ा कम ऑयल है, इसे ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इसे खुले में बर्तन में कढ़ाई वगैरह में बना सकते हैं।
लेकिन ये फिर गलने में टाइम लेगा और फिर ये टूटेंगे अलटपट करने में, इसलिए मुझे ये कुकर में बेस्ट लगा। इसमें हम आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हींग ऐड करेंगे और आधा चम्मच राई और आधा चम्मच ज़ीरा। इन चीज़ों तीनों चीज़ों को हम फ्रेंड्स हम तड़का लेंगे, चटकने देंगे। फिर हम दो मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको बिल्कुल हमने फाइन चॉप किया है, ऑमलेट कट किया है, इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे। और फ्रेंड दो बड़े साइज़ के टमाटरों की हमने प्योरी बना ली है, ये देखिए, इसको भी हम ऐड कर देंगे इन प्याज के अंदर और इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को। और इसके अंदर भी फ्रेंड कुछ थोड़े से बेसिक मसाले जाएंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी ऐड कर देंगे, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसको भी एक मिनट के लिए भून लेंगे हम। और फ्रेंड्स ये देखिए स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, मसाले में नमक है इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एक चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च फिर से ऐड कर देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, इनको भी अच्छे से भून लेंगे मसालों को। तो फ्रेंड कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि ये जले, हमें अलटपट करने की ज़रूरत ना पड़े, जल्दी से पक जाएंगे ये एक सीटी से भी कम में। और फ्रेंड देखिए जो मसाला हमने बैंगनों के अंदर भरा है वो मेरा थोड़ा सा बच गया था, वो भी मैंने इस मसाले के अंदर ऐड करके थोड़ा सा भून लिया है। और हम लगा देंगे बैंगन, रख देंगे इस मसाले के ऊपर और हल्का सा एक या दो चम्मच के करीब, छोटा चम्मच जो था खाने वाला उसी के करीब, इस पैन में हमने जिस पैन में हमने बैंगन फ्राई की है उसी में पानी ऐड कर दिया। उसको ऐसे हिला के पैन को ये पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स एक सीटी आने वाली हो तभी आप गैस को ऑफ कर दें और फिर विसल निकाल के कुकर का ढक्कन खोल दें, वरना ये घुट जाएंगे, बैंगन बहुत जल्दी से गल जाते हैं। और वैसे भी हमने थोड़ा सा पहले फ्राई कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप खुले कुकर ये कढ़ाई वगैरह में पतीले में पैन में बनाएंगे तो अलट पलट करने में टूट जाएंगे, साबुत नहीं रहेंगे, तो भरवा बैंगन कैसे दिखाई देंगे। तो इसलिए फ्रेंड मैंने कुकर में झटपट से बना लिए हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी से मज़ेदार हमारी जो भरवा बैंगन है तैयार हो चुके हैं। इंजॉय करिए आप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।